दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में रेगुलर हैं तो आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हमने जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी अपलोड कर रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने नॉन टेक्निकली वैकेंसीज़ भी बता रखी हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखते होगे तो वहाँ पे जो है दो मैम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टेक्निकल वैकेंसीज़ की। नॉन टेक्निकल का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो है आपको टेक्निकल वैकेंसीज़ जो है बताई जाएगी, जहाँ पे फ्रेशर्स के आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो वैकेंसी हमारे पास वो जो है इंडियन नेवी में है। इंडिया में नेवी में दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो है वैकेंसी निकल रखी है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 31 दिसंबर रखी गई है। तो यहाँ पर जो है बीटेक किसी भी डिसिप्लिन के किसी भी ब्रांच के जो है एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर आपने नहीं फिलअप किया तो ज़रूर फिलअप कीजिए। यहाँ पे एक समरी वीडियो है, इसके रिगार्डिंग अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएगा। दोस्तों अगली जो वैकेंसी हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में है, यहाँ पे जो है 137 पोस्ट आ रखी है प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपका ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी है। 200 रुपये और 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे दोस्तों ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसकी जो लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2020 रखी गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात की दोस्तों तो 61 जो है बीटेक के कैंडिडेट के लिए और 70 जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं, और 6 जो है एमबीए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जो है वहाँ से फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली वैकेंसी की ओर। तो अगली जो वैकेंसी है दोस्तों हमारे पास, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास वैकेंसी है इसमें है बीआरसी में। तो बीआरसी में दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमने ऑलरेडी इसकी रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बना रखा है। टोटल वैकेंसीज 105 आई हुई है। 15 जनवरी जो इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पे 12th के डिप्लोमा के आईटीआई के कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छा आपको मौका आया हुआ है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा या मिला हुआ होगा दोस्तों, तो आप जो है वहाँ से फ़िलअप कर सकते हैं। अगर नहीं मिला है दोस्तों तो आप जो है इस यहाँ पे जाइए, इस वेबसाइट को आप सर्च कीजिए, आपको जो है बहुत सारी वैकेंसीज जो है मिल जाएंगी। तो आप जो है इन सारी वैकेंसीज को फ़िलअप करने के लिए ऑलरेडी हमारा सेपरेट वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों दिल्ली सेल्टर बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की 100 वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे बहुत ही सुनहरा मौका आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ना ही किसी प्रकार का एग्ज़ाम लिया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। आपके दोस्तों परसेंटेज पर डिपेंड करेगा यहाँ पे सिलेक्शन। तो यहाँ पे 35,400 जो है सैलरी दिया जा रहा है दोस्तों, तो काफ़ी सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, एज लिमिट 27 साल रखी गई है और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी कोई नहीं दिया जा रहा है।